कौन से क्लास में बच्चे सर? 8 में। और आज का जो आपने मैम को अटेंड किया पीटीएम कैसा रहा सर? मैम ने क्या बोला? पीटीएम अच्छा था मैम, एक्चुअली मैम का फीडबैक भी पॉजिटिव था बच्चे के बारे में। उन्होंने जैसा था ओरिजिनली वैसे ही फीडबैक दिया, ऐसा नहीं था कि बस खाली पेरेंट्स को वो करने के लिए कि जैसे पेरेंट्स को वो करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है पेरेंट्स को अपना उसमें वो करने के लिए कि ठीक है वो पेरेंट्स अट्रैक्टिव हों क्लासेस के प्रति और को भेजें, ऐसा करके उन्होंने कुछ मतलब लीप अपोदी वाला आंसर नहीं दिया। वो था ऑनेस्ट उनका फीडबैक था पेरेंट्स का ना बच्चे के प्रति, तो ठीक अच्छा है। बच्चा क्लास में कैसा कर रहा मैम ने क्या बताया? क्योंकि पीटीएम ऐसा ही जरिया है जहाँ बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है आप टीचर के थ्रू वो सारा जान सकते हैं, तो आपको कैसा लगा, क्या पता चला इसके बारे में? अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए इसको, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड टाइप का है क्लास के अंदर, अभी थोड़ा पॉजिटिव अभी फीडबैक नहीं कहेंगे बच्चे के लिए, थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको ना, अभी थोड़ा मतलब अटेंशन लैक ऑफ अटेंशन है बच्चे की तरफ से, थोड़ा भी जैसे क्लासेस में रेगुलर होगा थोड़ा फैमिलियर होगा तो मे भी इम्प्रूव हो सकता है। और आपको आज का पीटीएम कैसा लगा? पीटीएम अच्छा था, टीचर्स भी एनर्जेटिक हैं क्योंकि अभी यंग बच्चे हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग, ध्यान भी दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो अच्छा लगा मेरे को ना। और सर वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको कोई सजेशन देना चाहेंगे कि एसएनके क्यों आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पीटीएम में नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा बच्चा क्या कर रहा है, टीचर से भी आप जब तक नहीं मिलोगे टीचर्स फीडबैक देंगे आप उनको तभी इम्प्रूव कर पाओगे बच्चों को जब टीचर्स का फीडबैक आप खुद जाके सुनोगे। ये बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सपोज किसी रिश्तेदार को भेज देंगे किसी दादाजी चाचा जी को भेज देंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, अब जाके बोलेंगे अरे ठीक है ठीक है ठीक कर रहा तेरा बेटा कोई बात नहीं है ना, अब दादाजी भी आएंगे अगर सपोज इससे दादाजी खुद आते अब उनको भी इतनी चीज़ें वो मे भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जो मुझे समझ में आया, या फिर वो जाके घर में मुझे भी ऐसे बोलते हैं ठीक कर रहा है, उसको बचाने के लिए ना। अब अगर वो बोलेंगे ऑनेस्टली कि तेरा बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा तो मैं डांटूंगा उसको, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता बच्चों को। जी जी, इसीलिए खुद आना जरूरी है ताकि आप खुद से सुने, टीचर्स को भी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि हाँ मेरा बच्चा घर में ऐसा करता है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कैसा कर रहा है, है ना, तो टीचर्स के आपके व्यूज एक्सचेंज होंगे तो टीचर्स भी आप बच्चे को बेटर गाइड कर पाएंगे और टीचर आपको जो बताएंगे फिर उससे भी आप बच्चे को घर में अच्छा गाइड कर पाएंगे। इसलिए आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपने ये सजेशन दिया कि पीटीएम क्यों अटेंड करना चाहिए, एक पेरेंट्स के सजेशन से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, और थैंक यू सो मच सर आने के लिए। तो आपके बच्चा कौन से क्लास में? 12th। और सर ने क्या सजेशन दिया? सर ने दिया कि और ज़्यादा मेहनत करें, अच्छा कर सकती है इम्प्रूव, जिस हिसाब से इसका बेसिक कमजोर है लेकिन आगे बढ़ सकती है, अच्छा इम्प्रूव कर सकती है बेटर। अभी सेशन स्टार्ट हुए 1 मंथ हुए हैं मैम, तो 1 मंथ में आपको एसएनके में भेजने के बाद बच्चे पे क्या इम्प्रूवमेंट दिख रही है? पहले से अपना सिंसियर हो गई है पढ़ाई में, अपने आप ही मतलब कहना नहीं पड़ रहा है, सब अपने आप अच्छे से कर रही है यहाँ से जाने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर अपने आप लेके बैठ जाती है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उस हिसाब से, मतलब जैसे कि एक बार को 12th है बच्चे सीरियस हो जाते हैं लेकिन अच्छी कोचिंग ना मिलने के कारण बच्चे ढीला रहता है कि कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है, अपने आप ही मुझे कहना नहीं पड़ता, खाना खाया अपने आप लेके बैठ। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लड़की है, काफ़ी संस्कारी भी है, शांत रहती है बहुत, घर में आइए। और आपको आज का पीटीएम कैसा लगा? सर के साथ अटेंड किया आपको, सर ने जो भी बताया उस हिसाब से आपको कैसा लगा? सब ने अच्छा से बताया कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या इसने इम्प्रूवमेंट किया है, मैथ्स में बहुत अच्छी रही है, हाँ मैथ्स में अच्छी मार्क्स आए हैं, और थोड़ा सा फिजिक्स में भी अच्छी है, केमिस्ट्री में भी थोड़ी डाउन है लेकिन उसमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, हाँ उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, सर ने भी कहा है आगे करेगी मेहनत। ये मैम वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं उसको एसएनके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहूंगी अगर आपका बच्चा डाउन है या मिडिल है या कुछ भी कैसा भी है, यहाँ लेके आए आपका बच्चे को बेटर बेटर अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, अच्छा पढ़ेगा, मैं तो कहती हूँ यहाँ से अगर बच्चा पढ़ के गया मेरिट में आना ही आना है सीबीएसई की टॉप 10 में। ओके थैंक यू सो मच। बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? 9th। और कैसा रहा आज का पीटीएम? मैम बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं मैथ को लेके बहुत सेटिस्फाई हूँ, साइंस में थोड़ा प्रॉब्लम है बट मैंने सर से डिस्कशन कर लिया है, तो सर ने बोला कि अभी न्यू है तो थोड़ा उसे अभी लगेगा टाइम, बट मैथ में तो मैं बहुत सेटिस्फाई, बहुत खुश हूँ। और बच्चे ने टेस्ट किया था तो उसके परफॉर्मेंस कैसे रहे? मैम बहुत अच्छा, मतलब पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए आता था तो मुझे मार्क्स देके बहुत खुशी होती थी कि मेरी लड़की कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है मैथ में, तो खुश हूँ मैं। और एसएनके का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा मैम, बहुत। वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए कोई सजेशन कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होके डालिए, क्योंकि स्टडी मतलब टीचर्स ध्यान दे रहे हैं एक्चुअली बच्चों का, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, और पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बेफिक्र होके यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चों। थैंक यू सो मच मैम। क्लास में 8th में कैसा रहा आज का पीटीएम? कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत। मैम ने क्या क्या बोला? मैम ने अच्छा है, इसके बारे में अच्छा ही बोला है, अच्छा है, शांत है, लेकिन ये कि
क्लास में बात नहीं करता ये ज़्यादा ना, जैसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछता, तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा वो था, ये बहुत ही ज़्यादा शाय था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत। मुझे याद है एडमिशन के टाइम में आपने बोला था कि ये कुछ बोलता ही नहीं है, तो मैम ने बोला है धीरे धीरे हो जाएगा इसका प्रैक्टिस, बोलने का भी क्वेश्चन पूछने का भी ना। अच्छा, वैसे करता है सब चीज़, होमवर्क वगैरह भी टाइम में करता है अब तो जाके सब चीज़। तो मैम एक ये पूछना चाहूँगी कि SNK भेजे हुए 1 मंथ हो गए, 1 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए, तो आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? बहुत चेंजेस है मैम, जैसे टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, बोलना नहीं पड़ता कि होमवर्क करो, टेस्ट वगैरह इसको याद रहता है कि मेरा टेस्ट है कल, पूरा प्रॉपर तरीके से अपने आप करता है, बोलना नहीं। और आप लोग कहाँ से आते हो? हम लोग श्यामपुर से। अच्छा अच्छा, और ये भी वहीं से आता है? अच्छा, और आपको आज का PTM वगैरह कैसा लगा? ओवरऑल यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा? बहुत अच्छा है, मैं तो मतलब 1 महीना चला गया पता ही नहीं चला और एक भी छुट्टी नहीं ली हमने, नहीं तो और ट्यूशन में तो कितना छुट्टी हो होता है ना, अभी तो बिल्कुल पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे निकल गया। और मैम जो जिसके बच्चे 8th क्लास में हैं और वो आना चाहते हैं, फिर हेजिटेट करते हैं पेरेंट्स, पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे रेगुलर जो ट्यूशन है जो घर में है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या ना बच्चे को बहुत कुछ नया चीज़ नहीं, पेरेंट्स का एक ये भी होता है ना मैम कि अभी कोचिंग वगैरह नहीं भेजना, ट्यूशन ही बहुत अच्छा है, तो कोचिंग में इम्प्रूवमेंट होती है ना? होती है मैम, अभी से हम जैसे छोटी क्लास से डालेंगे ना तो इनको आगे जाके अच्छे से तैयारी हो पाएगी, आदत हो जाती है अभी से ना इनको, जैसे नोट से कैसे पढ़ना है, नोट सिस्टम से कैसे पढ़ना है, और गाँव घर में जो पढ़ाते हैं वो ये है कि कॉपी टू कॉपी, नोटबुक टू नोटबुक लर्न करा दिया बस हो गया। मैम यहाँ पे RD शर्मा है, NCERT सारा कवर कर रही है। हाँ जी, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए तो अच्छा ही नंबर आया। सर मैं आपसे एक वर्ड पूछना चाहूंगी, एक वर्ड सर, रेटिंग देना होगा 1 से 5 स्टार, क्या देंगे? 5 स्टार ही दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मैम कौन से क्लास में पढ़ती है? मैम ये 12th में। और कैसा रहा आज का PTM, सर ने क्या सजेशन दिया? बहुत अच्छा रहा, और मार्क्स भी ठीक आ रखे। अच्छा सर, बायो में 30 में से 29 है, केमिस्ट्री में 25, फिजिक्स में 25। आपको क्या लगता है SNK में आने से इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं? मैम बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। अच्छा, ठीक लग रहा फिलहाल तो, पढ़ेगी आगे तो और भी अच्छा है। अभी सेशन को स्टार्ट में सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो 1 महीना में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है बच्चे में? इम्प्रूवमेंट इस बार मेरे को दिख रहा, 11th में उतना नहीं लगा, अभी 12th में लग रहा, आगे भी ऐसे ही हो तो और भी अच्छी बात, और भी अच्छा होगा मैम, आप टेंशन मत लीजिए। और एक तो आगे की लगी है कि 12th है क्या पता, नहीं मैम 12th में तो बोर्ड होता है ना, तो सर बहुत अभी प्रैक्टिस सीट देने वाले हैं, और बुक जो है उस वो भी कवर करना, बुक लिया ना आपने, वो रोज करती है, जो डाउट होता है वो सर से पूछना होता है, तो काफी अच्छा। मैं ये बोलते कि जो जहाँ पे समझ नहीं आ रहा पूछो सर से, पूछो सर एक्स्ट्रा टाइम दे दे, छुट्टी करने के बाद आप पूछते हो, संडे में आते हो उस दिन पूछो, इसलिए तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत लगता। वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं अभी वीडियो में, उनको कोई सजेशन देना चाहते हैं आप? सर मार रही हो। सजेशन क्या देना भाई, बच्चों पे बात है, अगर पढ़ेंगे अच्छे तो अच्छा ही है, मेहनत करो। कि क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन क्या है, ठीक है SNK ज्वाइन करो, अच्छी पढ़ाई है, बस बच्चों पे ध्यान दो। ओके थैंक यू। कौन कौन से क्लास में? जानवी 10th में, और यक्षराज है 8th में। अच्छा, कैसा रहा PTM, सर ने क्या बोला? PTM में सर अच्छे थे, मतलब अच्छे से उन्होंने गाइड किया है, बताया बच्चों कैसे वो कर इम्प्रूव कर रहे हैं पढ़ाई में, या कोई उनकी क्वेरी है तो वो सॉल्व करते हैं। कोई गाइडिंग जो सर ने दिया है जिसे फॉलो करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए, बस घर पर जाकर रिवाइज करना चाहिए, बच्चे को अच्छे से पढ़ना चाहिए और क्वेरी करनी चाहिए। और सर आपको SNK में PTM कैसा लगा? PTM बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह बच्चों के स्टडी करने के लिए वो कैसी लगी? वो वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो वो अगर आप किसी पेरेंट्स को कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ सजेशन, तो क्या दे सकते हैं? मैं कहूँगा कि अपने बच्चे को अच्छा है, मतलब यहाँ पे कोचिंग करानी चाहिए और अच्छे से मतलब उनको। ओके थैंक यू सर। कौन से क्लास में पढ़ता है ये? 9th में। और सर ने क्या क्या बोला इसके बारे में? है पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है अभी इसको। सर ने कोई सजेशन दिया आपको? हाँ बस घर में थोड़ा सा ध्यान दे, जाके घर में जाकर प्रैक्टिस करे दोबारा उसको, तो ज़्यादा बेटर होगा। और PTM कैसा रहा? PTM बहुत बढ़िया। और SNK में आपको कैसा लगा आके? नहीं हाँ, तो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट है बच्चे में, पहले वीक था ये, वो बोलता भी था, राइटिंग भी इसकी सही नहीं थी, और अब ज़्यादा पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें दिखा बच्चे में। और जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उसको कोई सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे हैं यहाँ आए, पेरेंट्स देखें इस वीडियो को, और
ज्यादा बेटर। थैंक यू सर। पीटीएम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सर ने क्या क्या सजेशन दिया आपके बच्चे के बारे में? सर की मेहनत है, फिर हमारे बच्चों की भी है। और सर ने कुछ बोला आपके बच्चे के इम्प्रूवमेंट के बारे में? मेरे बच्चा ना अच्छा सर की बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कैसा लगा आपको एस एन के में बच्चे को भेज के? बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा। और मैम अगर कोई जैसे पेरेंट्स है आपको देख रहे हैं वो, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उन पेरेंट्स को एस एन के बारे में? एस एन के क्या, मैंने पहले भी मेरी लड़की पढ़ चुकी है ना सर से। अच्छा अच्छा। तो वही करते है तारीफ। हाँ जी जी, पहले भी मेरी लड़की ने बोला कि इधर ही जाने के लिए, क्योंकि पहले पढ़ चुकी है मेरी लड़की ना, सर अच्छा पढ़ाते हैं, वहीं पे जा बोला लड़की ने। और आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। कैसा लगा आज का सर ने कुछ जो सजेशन दिया, यू फ्रूटफुल है वो? यस मैम, बोला कि इसी स्कोर को मेंटेन करे रखना आगे भी। अच्छा, काफी स्माइल से पता चला कि काफी अच्छा स्कोर आ गया है इसको। सर के बारे में अच्छा बोलता है वो, सर अच्छे, बहुत अच्छे बोलते हैं, घर में बात लगाता है। ठीक है, थैंक यू। 12th में है। कैसा रहा पीके? ठीक ही रहा। सर ने क्या सजेशन दिया बच्चे को? अच्छा दिया। आपको क्या बोला इसके बारे में? हाँ, मेरे मुझे तो नहीं बोला कुछ, नहीं बोला ठीक है सब, पढ़ाई भी अच्छी कर रही। हाँ। अभी एक महीना हुआ है सेशन स्टार्ट हुए, तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपको बच्चों में? हाँ हाँ, दिख तो रही। सर का मेहनत दिख रहा है आपको? दिख रहा पिछले साल से। टीम कैसा रहा? और आपका बच्चा कौन से क्लास में? मैम मेरा बेटा 8th में है, दून लॉरेंस अकेडमी। अच्छा, तो पीटीएम कैसा लगा? मैडम अच्छा लगा, और पहले से इम्प्रूवमेंट बोला है मैडम ने, बस थोड़ा मैथ में है। हाँ जी, और इंग्लिश एसएसटी और साइंस की मैडम ने बोला है, आंसर देता है, बात को कवर भी वगैरह सजेस्ट करता है, बोलता है। और मैम 1 month हो गए सेशन स्टार्ट हुए, तो आपको बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही है हमारे यहाँ आने के बाद? हाँ जी मैडम, दिख तो रही है, पढ़ता भी है, नंबर भी ठीक आए हैं। अब देखो ये 1st तारीख, अब इनके परसों से मंडे से पेपर है, अब एग्जाम आएंगे तो पता चलेगा मैडम। यहाँ पर तो देख के पता चला है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, बस थोड़ा मैथ्स में है। वो भी ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, वो भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जिस पे ये वीक है उस पे स्पेशल और ध्यान दिया जाए। और बाकी आपको आज का पीटीएम कैसा लगा? हमारे सनके का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा मैम, यहाँ सुन के इसके पापा के भी यही राय है कि अच्छा है कोचिंग सेंटर, उनको अच्छा लगा। और हमारे जैसे आस पड़ोस के लोगों ने भी बोला है कि अच्छा है, अच्छा पढ़ता रहेगा तो आगे फिर वही ट्यूशन वगैरह वही लगाएगा। थैंक यू सो मच मैम। क्या क्या बोला इसके बाद? सर ने बोला है कि कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, सिली मिस्टेक करता है थोड़ी बहुत, तो अगर डाउट है तो यही पूछेंगे ना बच्चे। तो सर ने यही बोला कि अभी तो मेरे से पूछा है, अदरवाइज जैसे 7th 8th में था तो टीचर्स यही बोलती थी कि ये पूछेगा तो ही पता चलेगा ना, हमें भी बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मैम कहाँ तक पढ़ा रही है कहाँ तक नहीं पढ़ रही, तो मैडम भी तभी आंसर देगी जब बच्चा रीड करके आएगा तो पूछेगा। तो वही सर ने बोला कि इस बार तो इसने पूछा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा बच्चे ने, कि कर सकता है, ऐसा नहीं है, थोड़ी सिली मिस्टेक करता है, अब वो टेस्ट होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा ना। अच्छा, और सर ने आपको कोई सजेशन दिया इसके अलावा? सर ने बोला कि अच्छा करो और क्या बोलते हैं कि मैथ्स में वो मैथ्स में डाउट रहे तो पूछते रहो मेरे से। तो आपके डाउट्स होते हैं मैथ्स में? हाँ होते हैं। तो सर से पूछा आपने? हाँ पूछता हूँ। क्लियर सर, क्लियर आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं क्लियर करते देते हैं? अच्छा मैम, तो बच्चे के तो सब अच्छा, मतलब अच्छा है, उसको अच्छा लगा है, ऐसा नहीं यहाँ पे आया तो उसको अच्छा लगा है कि ऐसा ही है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे अगर अदरवाइज जैसे हमने अपने आस पास जैसे भी डाला तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग क्या बता सकते हैं, तो बच्चा बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो टीचर्स आपको उस पर स्पेशल केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अगर बच्चा बोल रहा है तो अच्छा अप्रिशिएट वाली बात है। कि यहाँ पे टीचर्स का व्यवहार और मतलब जैसे हमने एंट्री करी चेहरे में एक स्माइल, बच्चे को यही सब चीज़ें समझ आती हैं। अगर पहले से ही ऐसा लगेगा तो पहले ही नहीं करने को तैयारी में रहता है। नहीं मैम, आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करें हमारे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंट्री करते सारी जैसे आपसे मेरी बात हुई, ऐसे नहीं आपने अच्छे से स्माइल करी बातचीत, ऐसा नहीं है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा लगी पहले बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा यही समझ आता है। तो आपको मैम आज का जो एस एन के में पीटीएम हुआ वो सारा इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। और जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कैमरे के थ्रू, उनको कोई सजेशन देना चाहेंगे कि एस एन के क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एस एन के इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि बच्चे का जैसे अगर हम अपने माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो बेटर है। और बहुत चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो, अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है, अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुए 1 month ही हुए। हाँ, तो आगे जाके थोड़ा सा और हमें पता चलेगा, ऐसे पता चलता चीज़ों का, अच्छा बेटर है। बच्चा कौन से क्लास में है? 10th में। कैसा रहा पीटीएम? अच्छा रहा। सर ने क्या क्या सजेस्ट किया साइंस और मैथ वाले? सर अच्छा, हर सब्जेक्ट में बढ़िया है,
कोई सजेशन दिया आपको क्या फॉलो करना चाहिए बच्चों को? थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी जल्दीबाजी करती है, बाकी बहुत अच्छा है जी। और सर आपके ऊपर ध्यान देते हैं, डाउट्स आपके क्लियर होते हैं? हाँ जी, अच्छे से होता है। क्योंकि मैम हमने 10th इस बार लॉन्च किया है, पहले हमारा 11th 12th चलता था, तो मतलब जो हमने टीचर रखे हुए हैं क्या वो सर आपके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं, डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं। क्या फर्स्ट टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा, इतना इतनी जल्दी इतना नहीं हो सकता, 2-3 मार्क्स कट रखे तो बहुत अच्छा ही है। साइंस का तो सरप्राइज टेस्ट है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो आपको SNK में 1 month हो गए हैं इसको, तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी? जी, अच्छा लग रहा है मैम। और आपको कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगता है सर के साथ यहाँ पर आके पढ़ाई करना, कैसा लगता है SNK में? अच्छा लगता है, SNK घर जैसा है? हाँ जी एकदम, हाँ मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तारीफ करती मैम, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आज का PTM सर ने क्या बोला? नहीं, बच्चा तो ठीक है, अच्छा है, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, वो बच्चा करेगा, बच्चा रिवाइज करेगा, कुछ करेगा। सर ने क्या कोई सजेशन दिया सर बच्चे के रिलेटेड? ना, मेरे बच्चे के रिलेटेड कुछ सजेशन नहीं दिया, बस ये कहा कि ओवरऑल सब कुछ उसका बेस्ट है, इसी हिसाब से उसे करना है तो आगे जाके काफी अच्छा। सर 1 month होंगे हैं बच्चों को ज्वाइन किए हुए, तो कुछ इम्प्रूवमेंट? सर हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है, काफी है, उसको समझ में भी आ रहा है, पूरा करने भी लगा है, जो पहले मिस्टेक्स होती थी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहा है, तो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। मतलब मैथ और साइंस वाले सर पूरा ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं। कोई शिकायत सर? शिकायत तो फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं है, आगे का तो मैं कह नहीं सकता, अगर ऐसी रहा तो उसे मेरे को लगता है कि कोई शिकायत आप लोग की तरफ से आएगी हमें। जिस हिसाब से अभी तक का परफॉर्मेंस है 1 महीने का, उस हिसाब से मेरे को शायद नहीं लगता कि कोई हमें कोई मौका मिले आपको कोई चीज़ बोलने का। बोलेंगे तो शायद हो सकता है अच्छा ही बोले, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी हम आपको बोले अच्छा ही बोले, कोई गलत चीज़ बोलने का भी मौका ना मिले बस। ओके सर, थैंक यू सर। कौन से क्लास में? 12th में। और कैसा आज का PTM? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। सर ने क्या सजेशन दिया आपको? सर ने बोला थोड़ा इम्प्रूव किया है, अब और करेगा, अभी पढ़ता रहेगा रेगुलर। तो और टीचर से मिल के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, और जैसे 11th में इसने ट्यूशन नहीं लिया था, अच्छा, तो उसका भी हम थोड़ा करवा लिया, क्लासेस लेंगे। तो 1 month हो गए हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है मैम? मैम अभी तो थोड़ा सा पहली बार ही है, अभी क्या बताऊँ मैं, अगली उस मीटिंग में देखते हैं। अच्छा, टेस्ट वगैरह इस बार टेस्ट कैसा रहा? ठीक ही है मैम। नहीं, इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैम क्लास 11th अगर ट्यूशन नहीं लिया है, क्लास 12th में आए हैं, अगर उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है उस हिसाब से ना, क्योंकि बिना कोचिंग लिए, क्योंकि 11th का आपको भी पता है सिलेबस कितना टफ होता है, वो अगर बिना उसको किए अगर 12th में आके कम्प्लीट करा काफ़ी टफ हो जाता बच्चे के लिए ना। तो आपको आज का PTM वगैरह कैसा लगा? नहीं मैम, बहुत बढ़िया था, टीचर्स वगैरह भी बहुत अच्छे, सर ने बहुत अच्छी बात समझाई कि हम ध्यान रखेंगे आगे और अच्छा वो करवाएंगे। और आपको सर ने क्या बोला? सर ने बोला थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो मतलब बेस थोड़े क्लियर हो रहे हैं, फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत है, वो सर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, वो 11th में थोड़े बेस क्लियर होंगे। वो बच्चा पढ़ता है, ये कौन कौन से क्लास में? ये 8th में है, वो 12th में। और इसके बारे में कैसा रहा आज का PTM? 12th में। दोनों के बारे में बता दीजिए। मैम इसने तो फिर भी ठीक कर रखा है, हाँ हाँ, छोटे ने आई थिंक क्लास में टॉप किया हुआ, ठीक तो नहीं है क्लास में टॉप किया हुआ है। हाँ मतलब उतना जितना होना चाहिए था उतना तो अभी भी नहीं है, मतलब ठीक है, कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स तो बहुत काफी अच्छा में हुआ इंप्रूवमेंट। हाँ ठीक है, मतलब आगे को अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो कर सकता है। अब ये बड़े बच्चे का तो मैम क्या बोलता, अभी नहीं वो भी वो भी कर रहा है, पिछली बार से तो अभी इसका ठीक है, पिछली बार के। तो सर मैम अभी सेशन स्टार्ट हुए, 1 month हुए है ना इसके, हाँ। तो कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही है 1 month में जो हाँ, पहले से जो पहले से दिख रहा है मैम, दिख रहा है पहले से, मतलब कर रहे हैं, आगे जाके करेंगे बच्चे। और जो ये जूनियर है, हमने जूनियर इस बार फर्स्ट टाइम है जो हमने जूनियर लॉन्च किया हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कुछ चेंजेस आपके बच्चे में, कुछ स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे या नहीं? हो रहे मैम, हो रहे। आपको बताओ कुछ? बहुत अच्छा पढ़ा रहे मैम, लोग आपको केयर कर रही है कि नहीं, आपके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करती है? यस मैम करते हैं। ध्यान दिया जा रहा है आपको? सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके? यस मैम होते ही। अच्छा, और कोई मतलब कोई शिकायत तो नहीं है कोई मैम से? आप हमें बोल सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो? नहीं मैम पढ़ाते ही हैं। 100% सेटिस्फाइड हो आप? यस मैम। और आप? ठीक है। सर ने आपको क्या सजेशन दिया?
हाँ मतलब क्वेश्चन करना हर रोज की, और मतलब मेरे साथ ना अगर डाउट होगा तो आप, आपके डाउट्स होते हैं तो सर से आप पूछते हो? हाँ पूछ लेता सर। क्लियर कर रहे हैं आपको? हाँ कर रहे थे। अच्छा मैम, तो आपको आज का पीटीएम वगैरह कैसा लगा, एसएनका का एनवायरनमेंट कैसा लगा? ठीक, अच्छा। आपका बच्चा कौन से क्लास में? मैम 10th क्लास में है। और आपका? 10th। और आपने अटेंड किया पीटीएम, सर ने क्या बोला आपके बच्चे के बारे में? बच्चा अभी हाफ मंथ से ही आ रहा है, ज्वाइन किया है उसने, तो उसके हिसाब से थोड़ा ठीक है बच्चा, लेकिन और मतलब और करना पड़ेगा, और पढ़ाई आगे थोड़ा टफ होगा बच्चों को ना। आपको मैम क्या बोलें? जी नहीं, अच्छा लगा, और सर ने जो हमारे बच्चों में कमी है इतने दिनों में उन्होंने तो हमको बताया कि हमारे बच्चों में क्या है, कुछ दबने वाले भी है, कुछ ज्यादा चुलबुले, उन्हें कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे उन्हें वो करना है, वो अच्छा लगा वो बताया सर। और मैथ वाले सर आपको कैसे लगे? वो अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के डाउट वगैरह क्लियर कर रहे हैं, कर रहे हैं वो, जब बच्चे अगर पूछ भी रहे हैं, अगर जो नहीं भी पूछ रहा है, जो शाये बच्चा है उसको भी मतलब जहाँ जाकर उसके सीट में जाकर पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है क्या है, तो वो फिर तब बता रहे हैं बच्चे है ना। और जो चुलबुल बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे चुलबुल हैं, वो तो खुद ही पूछ लेते हैं, वो ज्यादा ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल लेते हैं, जैसे माँ बोलती है कोई और, लेकिन चलो कर रहे हैं अच्छा अभी तो। अच्छा, और आपने साइंस वाले सर से भी मिल लिया? कैसा लगा सर से? अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला थोड़ा करना है आगे का बच्चों का, थोड़ा ना रेगुलर आना पड़ेगा बच्चों को, बोला रेगुलर तो वैसे आ ही रहे हैं, लेकिन आगे भी कभी मतलब अब गर्मियों की छुट्टी आ रही है, उसमें भी बच्चों का वो ना हो बोलकर ना आगे रेगुलर ही भेजना है बोला है ना। तो ओवरऑल अगर आपको बोला जाए कि आज का पीटीएम कैसा लगा एसएनके क्लासेस में? हमें तो अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। सर ने क्या बोला? अच्छा है, कर रहा है। क्या सजेशन दिया आपको इसके बारे में, कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह है? हाँ कर रहा है, अच्छा क्लास में अच्छा कर रहा है, रोज क्लास अटेंड करता है। अच्छा, आपके जो डाउट है वो सारे सर क्लियर कर रहे हैं? आपके डाउट हो रहे हैं? क्लियर हो रहा है सारा कुछ? एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं सर आपको? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोगों का ये अफवाहें हो रखी है कि एसएनके में बहुत भीड़ है, आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आपके सर आपको स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? डाउट क्लियर तो करते हैं सब ना, पूछते हैं कि डाउट क्लियर, की डाउट है किसी बच्चे को नहीं पूछते हैं तो बताते हैं। अच्छा, और आपको आज का पीटीएम कैसा लगा? अच्छा, थैंक यू सो मच। और पीटीएम में मैम लोग से मिल के कैसा लगा, क्या बोला बच्चे के बारे में? बहुत शिकायत आई, क्या बोला, पढ़ता नहीं बात। अच्छा, थोड़ा सा नॉटी है ये? नॉटी तो है, दिमाग तेज है, दिमाग तो तेज है इसका, पर बैठ पढ़ने नहीं बैठता, 5-10 मिनट आधे घंटे अगर बैठेगा। अच्छा, दिमाग तेज है। अब टेस्ट में थोड़ा सा, जब टेस्ट वगैरह होता है ना मैम, तो थोड़ा सा इसके बहाने बहुत बन जाते हैं थोड़ा। और आपको पीटीएम कैसा लगा? अच्छा है पीटीएम तो। अच्छा, सर ने क्या बोला आज का पीटीएम में? अच्छा है। कैसा रहा? ठीक रहा। मैंने कोई सजेशन दिया? जी मैम, ये बोला कि थोड़ा सा और मेहनत करना। आपके कोई जो डाउट्स होते हैं साइंस और मैथ वाले सर क्लियर करते हैं? यस मैम करते हैं। कोई शिकायत तो नहीं है, क्योंकि हमने 10th इस पर लॉन्च किया है? नहीं। स्पेशल ध्यान दिया जाता है आपको? एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाते हैं बोर्ड के। अच्छा, और ओवरऑल आपको आज का एसएनके में पहली बार आप आ रहे पीटीएम में, कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। 12th में। कैसा रहा पीटीएम? अच्छा रहा मैम। सर ने क्या बोला? सर ने तो यही कहा कि अगर कोई भी कमी पेशी होती है तो वो हम पूरा करेंगे, मतलब हम उनको रिजल्ट 100% चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे को भी उतनी कोशिश करनी है। इम्प्रूवमेंट दिख रही है? मैम अभी तो जो रिजल्ट रहा है वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस दिन टेस्ट में थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो अब आगे देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट करती है। वैसे तो केमिस्ट्री इसका बेस्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स में अच्छे नंबर हैं, फिजिक्स में कम है, तो उसमें भी थोड़ा नोट्स वगैरह लेके नहीं गई थी, तो अभी देखते जो अगले टेस्ट होगा। सर ने कोई सजेशन दिया इससे रिलेटेड? सर ने तो यही कहा है कि मैं अपनी तरफ से बहुत मतलब कोशिश कर रहा हूँ, एक एक बच्चे को पूछता हूँ, तो अब देखते हैं आगे। आपके कोई डाउट्स होते तो सर क्लियर करते हैं? यस सारे सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई शिकायत सर के रिलेटेड तो आप हमसे कर सकते हैं, हम लोग पब्लिक है। कोई शिकायत सर के बारे में? आज का पीटीएम कैसा रहा? बढ़िया। सर ने क्या सजेशन दिया? कौन से क्लास में पढ़ती है? 12th में। 12th में पढ़ती है, तो
तो आपको कैसा लगा, सर ने क्या सजेस्ट किया इसके बारे में? बढ़िया बढ़िया, इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? इधर आ जाओ, कोई डाउट है वो सर क्लियर कर रहे हैं आपको? हाँ जी हाँ जी, मैंने बस एक टॉपिक छोड़ा था तो उस हिसाब से मतलब उसका ही क्वेश्चन मैं करने वाली थी क्योंकि मैं लेट ज्वाइन करा था। सर आप सेटिस्फाइड है हमारे सिस्टम से? सर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई शिकायत है तब कर सकते? कोई नहीं, कोई ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कौन से क्लास में? सर हम 9th। क्या सर आप पीटीएम? हम अच्छा। सर ने क्या सजेशन बोला दिया? मैम की पूछो जैसे वो मत। आपको मैम सर ने क्या बोला, क्या दे आपको, आपको जो बहुत सारी शिकायतें थी ना कि सर पर, तो आपने पूछा सर से? जी सर, सर अच्छे हैं, अच्छे मैथ में तो अच्छे ला रखे नंबर भी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब डाउट्स जो भी है फ्रेंडली सर भी है, अच्छा लगा हमें मतलब यहाँ कोचिंग भेज के। हाँ जी, और कोई सजेशन दिया सर ने बच्चों को क्या फॉलो करना चाहिए? हाँ जी, मतलब डाउट्स क्लियर करो सर, जो भी डाउट्स है मतलब फ्रेंडली बच्चों के साथ रहते सर, तो वही बोल रहे सर कि मतलब जो भी बच्चे हैं डाउट्स क्लियर करो, नहीं आ रहा हम तो बोलते हैं, वो बच्चे पे बात है कि बच्चे पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, फिर वही है। और ओवरऑल आपको पीटीएम कैसा लगा? अच्छा लगा। ये 7th में मैम। कैसा रहा पीटीएम? मैम सही रहा, गुड। मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला सही है मैम, अभी तो ना जिस हिसाब से अभी 2 साल से कुछ नहीं किया था उस हिसाब से तो सही है इसका। तो आपको 1 महीना हो गया इसको ज्वाइन किए हुए, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है एसएन के माने के बाद? जी मैम अभी तो लग रहा है जी, ठीक है अभी। मैम ध्यान दे रही है? जी मैम, मैम अच्छी है। मैम आपके डाउट क्लियर कर रही है? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं मैम से? क्योंकि जूनियर हमने इसी साल स्टार्ट किया ना, कोई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके एसएन के आके? बहुत अच्छा है। इतना ही आप भी क्यूट हो। और मैम आप एसएन के में जो आपको और पेरेंट्स देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे कि एसएन के क्यों ज्वाइन करना चाहिए? जी मैम, एसएन के ये है कि एक तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग मैम है, और जो यहाँ पे जो ये पीटीएम सिस्टम है एक तो ये अच्छा लगा, तो इसीलिए मैम बेस्ट है बच्चों के लिए। आपको बच्चे की फीडबैक पता चल जाती है ना कि बच्चा क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है। कैसा रहा पीटीएम? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर ने क्या सजेशन दिया? सर ने बस यही सजेशन दिया कि मतलब इसको थोड़ा सा और टाइम देना है मतलब पढ़ने के लिए ना, ये मतलब वैसे तो ठीक है पढ़ने में, और सर को ये लगा कि शायद टाइम नहीं दे पा रहा है। अच्छा, सर ने ये बोला। और कोई सजेशन सर ने दिया? हाँ, थोड़ा सा जैसे लिखने का पैटर्न होता है बोर्ड के एग्जाम्स में, वो सर ने बताया। और इसके मार्क्स से आप खुश हैं मैम? मतलब जिस हिसाब से इसने पढ़ाई करी है उस हिसाब से ठीक है, अगर ये पढ़ता तो और नंबर आते इसके, इसने पढ़ाई नहीं मुझे पता नहीं, अभी पहला टेस्ट है ना मैम। नहीं, तो इसको ये बेटे को ना माइंड से स्किप हो गया कि टेस्ट है कल ना। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से ये पढ़ नहीं पाया। दिमाग से बहुत तेज है, इसे मैं भी जानती हूँ। फिर पढ़ता क्यों नहीं है? थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। नहीं नहीं, वो टेस्ट में कर लेता ही है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया कि मैं मतलब कि टेस्ट का ना याद नहीं रहा इसको, वरना ये अच्छा। कोई बात नहीं। और आपको आज का पीटीएम वगैरह कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू मैम।